नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 6x2 नंबर की हेल्प से मदर्स डे पर बहुत ही आसानी से चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आप दोस्तों मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको दो टाइम्स यानी कि दो बार आपको 2x2 नंबर इस तरह लिखना होगा। एक थोड़ा इससे बड़ा लिख दीजिएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आप लिखेंगे। फिर गाइज, आप बहुत ही आसानी से ये वाला पोर्शन आप नीचे की तरफ ऐसे मिलाइएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी रिपीट करना होगा। एक बार आप यहाँ से भी ऐसे मिलाइएगा, फिर इसको हम ऐसे आसानी से मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको इस नीचे वाले सिरे को भी आगे की तरफ बढ़ाना होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग आसानी से बनाना सिखा देंगे। फिर इस लाइन को हम आसानी से डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर के साइड से आपको इधर से ऐसे बढ़ाना होगा। यहाँ से भी हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। फिर इसको हल्का सा नीचे की तरफ करिएगा। नीचे की तरफ करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे, फिर अंदर की तरफ करेंगे। इसको इधर से ऐसे ले जाइएगा, फिर नीचे की तरफ कर देंगे। हल्का सा यहाँ से ऐसे ले जाते हुए इसको आप यहाँ पर मिला दीजिएगा। एक छोटा सा हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, नीचे की तरफ करिएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम एक एम लेटर आप लिख देंगे चाहे तो। एम लेटर लिखने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, छोटा सा आप पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों आपको एक लाइन इधर से ऐसे ड्रॉ करना है, फिर ऊपर की तरफ कर देंगे। एक लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसानी से बीच से भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर से भी ले जाइए। देखिए कितनी आसानी से मदर्स डे पर बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनके तैयार होने वाला है। यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे। अब आप देखिएगा, इस 2x2 नंबर की हेल्प से आपको क्या करना होगा, इसको भी हम यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ मिलाएंगे। यहाँ से भी आप ऐसे अंदर की तरफ मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको डबल लाइन ड्रॉ करना होगा। जब आप डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तब आपको ऊपर के साइड से यहाँ से आपको इसको ऐसे मिलाना होगा। थोड़ा सा हम इसको और नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा। यहाँ से इस बर्ड का आपको चोंच बनाना होगा। इधर हम मिलाएंगे, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इधर ऐसे आप मिलाइएगा। आगे के सिरे पर इसके लिए आपको एक छोटा सा कीड़ा बनाना होगा, ये माँ जो है अपने बच्चों को खिलाएगी। फिर गाइज, आपको इधर से देखिएगा, इस साइड से हमें आगे की तरफ बढ़ाना है, हल्का सा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ करिएगा। यहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ बढ़ाते जाइएगा। इसको हम लास्ट में इस 2 नंबर के नीचे वाले सिरे पर लाकर मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको इस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करना है, फिर ऊपर की तरफ करिएगा, फिर नीचे हम बढ़ाएंगे। एक लाइन इधर, इधर से आप ऐसे करिएगा और इसको एक पतला सा आप यहाँ पर बना देंगे। एक छोटा सा पंख आप इधर भी बना दीजिएगा। अब ध्यान से देखेंगे, आपको इस साइड भी एक पंख बनाना होगा। इसके लिए हमें हल्का सा यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ाना है, फिर नीचे इधर बढ़ा दीजिए। आपको यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ बढ़ाते जाना होगा। इधर आप ऐसे लाकर मिला दीजिएगा। छोटा सा एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे एक सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद दोस्तों इस ब्रांच को हम एक ट्री के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इधर से ले जाइएगा, आसानी से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये डबल करिए, हल्का सा आगे की तरफ, यहाँ से हो जाएगा। नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ करते हुए आप यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर आपको दोस्तों कुछ यहाँ पर ऐसे ब्रांचेस आसानी से बनाने होंगे। इधर बढ़ाइए, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे ब्रांचेस बना लेते हैं। और देखिएगा, आपको नीचे के साइड में यहाँ से भी आपको ऐसे कुछ ब्रांच बनाना होगा। इधर नीचे के साइड में दोस्तों आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ से बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे। इसमें हम हैप्पी मदर्स डे लिख देंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं और हम कलर भी करना आसानी से सीख लेते हैं।